मुख्य अतिथि आने वाले हैं। सबकी निगाहें मुख्य द्वार की ओर, सुरक्षा में तैनात हमारे गार्ड्स आगे आगे और ठीक उसके पीछे हमारे सामने एक उजड़ी सी गाड़ी लगी है और जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों का घेराव। तमाम पदाधिकारियों ने जिला पदाधिकारी महोदय का हार्दिक स्वागत किया है। आपके सामने आ चुके हैं श्री प्रशांत कुमार सिंह जिला पदाधिकारी अररिया। उनका हार्दिक स्वागत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, एसडीपी अररिया, डीएसपी और अन्य जिला के वरीय पदाधिकारी और इस तरह सावधान की मुद्रा के साथ ही आदेश हुआ है और बिल्कुल सतर्क होकर हमारे पैरेड कमांडर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही चुस्ती और दुरुस्तगी है, बहुत पाकिजगी है, शांति है और भीड़ रहित समारोह। निरीक्षण को तैयार है श्रीमान। पैरेड कमांडर श्री बिंदु पासवान ने सूचित किया और पुलिस कप्तान महोदय और जिला पदाधिकारी महोदय मंच से नीचे उतरते हुए झुक के जाएगा। और इस तरह जिला पदाधिकारी महोदय जिप्सी की ओर बढ़ते हुए, और आप देख रहे हैं कि जिप्सी पर वो सवार हुए और उसके ठीक हम सफर के रूप में पुलिस कप्तान श्री विवेकानंद तिवारी जी और उसके पीछे पैरेड कमांडर। धीरे धीरे ये जिप्सी आगे बढ़ रही है और बीच बीच में जिला पदाधिकारी महोदय कुछ जानकारी भी शेयर कर रहे हैं पुलिस कप्तान से। गैली नंबर 2 की तरफ बढ़ते हुए दक्षिण और उत्तर जानी जो गैली है वहां पहुंचे हैं और गाड़ी घुड़ी धीरे धीरे वो निरीक्षण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि जो भी हैं जोरदार तालियों से आप हार्दिक स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उचित रिस्पॉन्स लिया। हेलो। और इस तरह जिप्सी मुड़ी और बुजुर्ग ठीक लाइव पुलिस कप्तान श्री प्रशांत कुमार सीएच, पुलिस कप्तान श्री विजयकांत और जिला पदाधिकारी धीरे धीरे वो का निरीक्षण कर रहे हैं और अरे के निदायक मंडल के माननीय सदस्य बहुत ही होशियारी से वो निरीक्षण देख रहे हैं ताकि वो निर्णय दे सके। नंबर 3 को पास करते हुए नंबर 4 की तरफ हम आपको जानकारी एक बार फिर दे दें कि पहले कमांडर रूप नवीन पासवान, ड्यूटी कमांडर सुबिन कुमार सिंह और एसएसपी के हमारे ग्रेटूप कमांडर जी संदीप राशि जी, बिहार सैन्य पुलिस के हरिनारायण जी पासवान, रोशन कुमार हैं बिहार पुलिस के और बिंदु कुमारी हैं बिहार महिला पुलिस की कमांडर और दयानंद विश्वासी हैं होमगार्ड और इसके साथ
साथी हमारे पैरे कमांडर जिप्सी से उतरे और उतरने के बाद वो फिर अपनी जगह की तरफ अपने स्थान पर जाते हुए और जिप्सी मंच की तरफ आते हुए और इस तरह मंच की तरफ बढ़ते हुए मंच के ठीक सामने में जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस कप्तान धीरे धीरे ये जिप्सी से उतरकर मंच की तरफ बढ़ते हुए तो इस तरह जिला पदाधिकारी महोदय ने सलामी गारद का विधिवत निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद वो वापस अपनी जगह पर लौट रहे हैं। आगमन हुआ है पुलिस अधीक्षक महोदय का। पुलिस अधीक्षक महोदय पधार चुके हैं श्री हृदयकांत तिवारी जी। श्री हृदयकांत तिवारी जी का स्वागत किया हमारे दोनों डीएसपी एसडीपीओ श्री पुष्कर कुमार ने, डीएसपी हेडक्वार्टर श्री श्रीकांत सिंह ने और अनुमंडल पदाधिकारी जो अररिया के हैं श्री सलेश चंद्र दिवाकर जी। स्वागत करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को मंच पर लाया जा रहा है और इस बीच में नगर परिषद अररिया के माननीय अध्यक्ष मुख्य पार्षद हो चुका है और इस तरह सावधान की मुद्रा में जनरल सैल्यूट किया जा रहा है और विश्राम की आवाज सुनते ही सब विश्राम की स्थिति में एक बार फिर हम आपको जानकारी दे दें कि ये जो व्यवस्था की गई है हमारे पैरेड कमांडर के नेतृत्व में, पैरेड कमांडर हैं श्री मिंटू पासवान जी, द्वितीय पैरेड कमांडर के रूप में अपनी ड्यूटी पर तैनात है श्री सुनील कुमार सिंह जी, एसएसबी के जो हमारे प्लेटून कमांडर हैं एक नंबर में श्री संदीप राजकुमारी महोदय अपने स्वर में संबोधन करेंगे, शुभकामनाएं देंगे, बधाई देंगे, मुबारकबाद देंगे और इस तरह समय हो चुका है और पैरेड कमांडर Thank you.
पायलट कमांडर के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है और इस तरह आवाज आ रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप फिर की आवाज न लगाएं बल्कि पूरे दृश्य को आप अपने मोबाइल के जरिए देखें। ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी, सारी व्यवस्था नियमानुसार। कृपया शोर न मचाएं। खास ड्रम की आवाज के साथ पैरेड आपके सामने से गुजर रही है। पैरेड कमांडर्स आपकी ड्यूटी पर तैनात हैं और सारे प्लेटून धीरे धीरे बर्फ डालकर पंच की तरफ पड़ते हैं। पहले तरह थपचा दिया है, गिर गया दूर हो जाइए। पूरे जिले में खास उत्साह है। गणतंत्र दिवस समारोह एक उत्सव के शत में मनाया जा रहा है, लेकिन जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अक्षर शत पालन करते हुए COVID-19 के प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखा जा रहा है। गांव गांव में जनसंपर्क विभाग की ओर से सारी सूचनाएं दी गई है। पंचायती राज के माननीय मुखियागण, सरपंचगण और तमाम लोग इन नियमों का पालन कर रहे हैं। ये रहित आयोजन किया जा रहा है और इस बीच मंच के सामने में हमारे पैरेड कमांडर श्री किंतु पासवान और फिर उनके पीछे द्वितीय पैरेड कमांडर श्री सुनील खान सिंह। यही है नंबर एक प्लेटून SSP, हमारी शान और हमारे प्लेटून कमांडर है संदीप राठी जी। राठी ने देख का इशारा करते हुए आगे बढ़ते हुए का मुजाहरा करते हुए ये दूसरे हैं बिहार से पुलिस और श्री हरिनारायण पासवान के ये हैं बिहार पुलिस प्लेटून नंबर 3 और इसके कमांडर हैं रोशन कुमार। ये नंबर 4 की प्लेटून है बिहार महिला पुलिस, प्लेटून कमांडर हैं इंदु कुमारी। पांच नंबर के प्लेटून बिहार गृह रक्षक होमगार्ड दयानंद विश्वास और सामने देखते हुए ये लोग फिर अपनी जगह पर जाते हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य लग रहा है, बहुत मनमोहक है। राष्ट्रीय जज्बों को सलाम करते हुए तमाम लोग धन्यवाद जी। अररिया जिला के नागरिकों, जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, सशस्त्र बल के जवानों, पत्रकार बंधुओं, उपस्थित माताओं, बहनों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, 72वें गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर मैं आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और अभिनंदन। यह अवसर है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को और संविधान निर्माताओं को कोटि कोटि नमन करने का। यह अवसर है देश के लिए हंसते हंसते अपने जान न्यौछावर करने वाले जाबाज सिपाहियों को श्रद्धांजलि देने का। यह अवसर है साहित्य के क्षेत्र में अमर कथा शिल्पकार फणीश्वरनाथ रेणु जी को याद करना। यह अवसर है अररिया जिला के
पावन धरती के सच्चे सपूत स्वतंत्रता सेनानी श्री राम देवी जी एवं श्री विज देवी जी के पराक्रम त्याग और समर्पण को याद कर नई शक्ति पाने का और इन महानुभावों के बताए गए मार्ग को अनुसरण करने का यह अवसर है। तमाम विविधता के बावजूद हम दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र और लोकतंत्र होने का सीना तान कर खड़े होने का और गर्व के साथ जन गण मन गाने का 71 वर्ष पूर्व आज ही के दिन हम भारत के लोगों ने आदर्शों तथा मूल्यों का शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी नागरिकों को न्याय स्वतंत्रता तथा समानता प्रदान करने के लिए स्वयं को एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य सौंपा। जिला प्रत्येक क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अररिया जिला के द्वारा अर्जित उपलब्धियों से आपको अवगत करना चाहता हूँ। कोरोना वैश्विक महामारी पर विजय पाने के उद्देश्य से हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से बनाए गए दोनों टीका कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड पर पूरे देश को गर्व है। पूरे देश में दिनांक 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत प्रथम चरण में अररिया जिला में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों के 9,364 चिकित्सा कर्मियों को कोविड का टीकाकरण किया गया। इसके एवज में अब तक 959 स्वास्थ्य एवं बाल विकास परियोजना के पदाधिकारी एवं कर्मियों को टीकाकरण किया गया। द्वितीय चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा तृतीय चरण में अन्य जरूरतमंदों को उक्त टीका उपलब्ध कराया जाए। अब तक 456,000 कोविड संदिग्ध मरीजों का सैंपल लिया गया, जिसमें से 6,985 मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल 6,942 मरीज चिकित्सा के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। विभिन्न पीएचसी एवं सीएचसी के अलावा सुदूर ग्रामीण इलाकों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रियान्वयन कर 25 जगहों पर प्रसव कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस वर्ष 50 और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को प्रारंभ किया जाएगा। 10 स्वास्थ्य केंद्रों पर एएनएम के माध्यम से टेली मेडिसिन पर सेवा प्रारंभ किया गया। सदर अस्पताल अररिया में लोक निजी साझेदारी के तहत सीटी स्कैन सेंटर प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे बहुत कम शुल्क में जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कोविड महामारी के दौरान जो भी चुनौती आई है, हमने उसे अवसर में बदलना सीखा। अन्य प्रदेशों से लौटे हमारे कामगार मजदूर भाई बहनों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करने के उद्देश्य से जिला औद्योगिकी नव प्रवर्तन योजना लागू की गई है। अब तक 5 समूह क्लस्टर लक्ष्य के विरुद्ध 4 समूह क्लस्टर बनाया गया, जिसमें पेवर ब्लॉक, सीमेंट से निर्मित वस्तु, रेडीमेड गार्मेंट, चप्पल उद्योग के लिए इकाई लगाई गई। प्रति इकाई औसतन 15 कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। फिश फीड इकाई को भी प्रारंभ किया जा रहा है। पर्यावरण को जीवनदायी बनाए रखने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान
आज हमारे मुल्क पर यह आज बन गया है जिसका कोई विकल्प नहीं है। इस अभियान के तहत 336 सार्वजनिक पोखरों में से 48 पोखरों का जीर्णोद्धार काल पूर्ण कर लिया गया है। कुल 579 निजी तालाबों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें से 300 निजी तालाबों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। द्वितीय वर्ष 2021 में 3,96,000 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। वन विभाग के द्वारा लगभग 5,00,000 से अधिक विभिन्न प्रजातियों का पौधशाला में पौधे उगाए जा रहे हैं। अररिया जिला के रानीगढ़ वृक्ष वाटिका एवं कुशियार गांव जैव विविधता पार्क एक राज्य स्तरीय धरोहर है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 2,107 वार्डों में 4,25,000 घरों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराया गया है। शौचालय निर्माण घर का सम्मान के तहत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत अररिया जिला को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। इसमें 90% लोगों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है। वैसे दलित एवं महादलित टोलों एवं बसावटों में जिनके पास व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है, वैसे स्थानों पर 436 लक्ष के विरुद्ध 212 सामुदायिक परिसर निर्माण कार्य कराकर उसी समुदाय को हस्तगत करा दिया गया। हर घर विद्युत योजना के तहत राज्य सरकार 24 घंटे हर घर को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति करने के लिए कृत संकल्पित। खेतों तक कृषि कार्य हेतु बिजली पहुंचाने के लिए 26 नए कृषि फीडरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे कृषक को सिंचाई का लाभ मिलेगा। आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत उच्च शिक्षा हासिल करने वाले 3,139 छात्र छात्राओं को शिक्षा ऋण, 4,037 बेरोजगार युवक युवतियों को स्वयं सहायता भत्ता एवं 17,602 युवक युवतियों को प्रशिक्षित हेतु पंजीकृत किया गया। स्वस्थ समाज स्वस्थ बिहार की परिकल्पना के आधार पर बिहार में पूर्ण शराबबंदी एवं नशाबंदी लागू होने के पश्चात अब तक 7,693 अभियोग दर्ज हुए एवं 9,211 लोग गिरफ्तार भी हुए। इसमें से कुल 35 व्यक्तियों को अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया के तहत जब 52 वाहनों की नीलामी भी कर दी गई है। इस प्रक्रिया से 37,00,000 रुपया प्राप्त हुआ। कोरोना के कारण जिला के सभी पंचायतों में केवल उच्च स्तर के पठन पाठन कार्य प्रारंभ किया गया। एमएसडी की योजना के अंतर्गत छात्र अनुपात के आधार पर जिला में 294 अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण कराया जा रहा है। जिला में संचालित सभी 232 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत स्मार्ट क्लास का संचालन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना के अंतर्गत
अब तक 14,863 कन्या शिक्षाओं को लाभ दिया गया। इस प्रकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कुल 56,800 को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में लगभग 33,000 लाभुकों को द्वारा आवास का निर्माण कर दिया गया। मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021 में लगभग 68,00,000 मानव दिवस सृजित किया गया तथा 2,14,628 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। इसी प्रकार 90,400 मनरेगा की योजनाएं अब तक पूर्ण की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 2,37,581 किसानों को अनुदान राशि दिया गया। इसके अतिरिक्त 7 निश्चय योजना के फेज 2 के तहत हर खेत को पानी योजना के तहत संयुक्त सर्वे का काम जिला स्तर पर चल रहा है। हमें विश्वास है उत्पादकता बढ़ने में यह राज्य सरकार का एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। अररिया से गलगलिया नई बड़ी रेल लाइन निर्माण हेतु कुल 37 मौजे में से लगभग 35 मौजों में भूमि अर्जित कर एनएफआर प्रतिहार को अटल बच्चा भी दे दिया गया। फॉरबिसगंज नया बाईपास एवं भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना का निर्माण अंतिम चरण में है। इसी प्रकार अररिया से सुपौल नई बड़ी रेल लाइन परियोजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई है। 327 की अररिया से गलगलिया पर अब 4 लेन सड़क बनी है, इसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। इन सब परियोजना के क्रियान्वयन से जिला की आर्थिक दिशा और दशा और अधिक सुदृढ़ और बेहतर होगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत अब तक 838 लाभुकों के बीच वाहनों का वितरण कर दिया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए जिला में 13 बस स्टॉप का निर्माण किया जा रहा है। दिनांक 18 तारीख से सड़क सुरक्षा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आप सबों को मैं आह्वान करता हूँ कि आइए हम सब सजग और जागरूक होकर यातायात नियम का पालन करें ताकि जान माल की कम से कम क्षति हो। सामुदायिक सौहार्द के लिए अररिया जिला एक बेहतरीन उदाहरण है। जिला के सभी वासियों से मैं अपील करता हूँ कि आप अपनी ओर से किसी भी गैर कानूनी कार्य को करने के लिए उत्तेजित न हो और भविष्य के कर्णधार के रूप में अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा और संस्कार दें। जिला के चौमुखी विकास के लिए आपका सहयोग समर्थन और आपकी भागीदारी बेहद आवश्यक है। इस पुनीत अवसर पर मैं आप सबको पद्मश्री सोहनलाल द्विवेदी जी की कुछ पंक्तियां याद दिला सकूं। आपको जिला के विकास हेतु संकल्प दिलाना चाहता हूं। चलो नई मिसाल हो, चलो नई मिसाल हो, चलो नई मशाल हो, चलो नई मिसाल हो, चलो नई मशाल हो,
बनो नया कमाल हो, बनो नया कमाल हो, छोड़ो नहीं रुको नहीं, बड़े चलो बड़े चलो। आइए हम सब मिलकर इस संकल्प को जय हिंद के जय घोष से बुलंद करें। जय हिंद जय हिंद। और इस जय घोष के साथ के जिला पदाधिकारी महोदय के शहर अररिया में अब खुल गया है अत्याधुनिक रेस्टोरेंट, जिसे मिलेगा आपको हर तरह का लजीज खाना। यहाँ मिलेगा तंदूरी चिकन, कढ़ाई चिकन, मलाई कोफ्ता, चिकन आइसक्रीम, मटन बिरयानी सहित कई लजीज व्यंजन। वही शेक में मिलेगा ओरिया शेक, बनाना शेक, चीकू शेक, विल शेक सहित अन्य शेक सहित हर तरह का जूस यहाँ परिवार के साथ आराम से खाने पीने का आनंद उठा सकते हैं। हमारा पता है सिटी कैफे, सिटी हॉस्पिटल के बगल में, 0 माइल रोड अररिया। होम डिलीवरी की भी सुविधाएं अवेलेबल है।